हे गाइस, तो आज मैं आपके साथ हुडा ब्यूटी प्रोडक्ट का मेकअप फिक्सर के बारे में कुछ बात करूंगी। मेरे पास ड्यूब्स है, ओरिजिनल नहीं है। तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर हम ड्यूब्स यूज़ करते हैं तो उसका वर्क कैसा होता है। तो आज मैं इसी बेस पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकन, जिससे आप मेरे आने वाले वीडियो से टाइम से नोटिफाइड हो पाओगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ एक एक पॉइंट और आपको फुल रिव्यू देती हूँ। हुडा ब्यूटी प्रोडक्ट के मेकअप फिक्सर का फुल रिव्यू भी दूंगी और कुछ बातें भी इसके बारे में हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि मैंने देखा है कि जो मोस्ट ऑफ जो बिगनर्स होते हैं, जिनको ज़्यादा मेकअप का आइडिया नहीं होता है और वो मेकअप करने के बाद नॉर्मली अपना मेकअप को सेट करना भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं होती, उन्हें नॉलेज नहीं होता है कि मेकअप करने के बाद कुछ सेटिंग स्प्रे वगैरह भी यूज़ करने होते हैं। तो ये जो वीडियो है स्पेशली बिगनर्स के लिए, जिनको मेकअप का कोई आइडिया नहीं है। अभी भी कुछ लोग हैं जिनको मेकअप का कोई आइडिया नहीं है। मेकअप का आइडिया है भी तो उसके बाद आपको मेकअप के बाद आपको क्या यूज़ करना है उसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो मैं आपके लिए बहुत ही बजट में एक फिक्सर लेकर आई हूँ, मेकअप फिक्सर हुडा ब्यूटी का। ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। नहीं तो आप लोग कमेंट करने लगे कि ये ओरिजिनल नहीं है, आप तो डुप्लीकेट। तो मैं खुद ही बता रही हूँ कि उसका ड्यूप्स है। तो मेरे यहाँ यही रहता है कि मैं वो प्रोडक्ट शेयर करूँ आप लोग के साथ जो आप लोगों के आप इजीली ले सको और आपकी स्किन को साइड इफेक्ट भी ना करे। और मैं आपके साथ कोई भी प्रोडक्ट तभी शेयर करती हूँ जब मैं खुद पे उसका फुल यूज़ कर चुकी होती हूँ। तो इसे मैंने काफ़ी यूज़ किया, मेरे फेस में कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आया इसे यूज़ करके। एक मेरा काफ़ी पहले का है, 1 ईयर पहले का, और एक अभी मुझे रिसेंटली रिसीव हुआ था मेरे PR बॉक्स में। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों में ज़्यादा कोई भी का चेंज नहीं है, सेम ही है, बहुत कम चेंजेस आपको दिखते हैं। तो मैं दोनों को दिखा देती हूँ। तो एक तो ये है और एक ये है। ये मेरे PR में रिसीव हुआ था और ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। जो लिंक देने का कोशिश करूँगी, बहुत ईजिली मिल जाता है। फ्लिपकार्ट से मैंने 1 ईयर पहले इसे 80 रुपीज़ समथिंग में ये मुझे मिला था। अब आई थिंक इसका थोड़ा सा रेट इंक्रीज़ हुआ है। तो बात कर लेते पहले इसकी और पैकेजिंग की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल पैकेजिंग है। इसकी ब्लैक बॉटल है, आपको अलग ही समझ में आ जाएगा कि ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। तो लेकिन डुप्लीकेट कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके कैप की बात करूँ तो ये बहुत ईजिली प्लास्टिक का कैप है, बहुत ईजिली ओपन हो जाता है और आपको ये स्प्रे फॉर्म में मिलता है। और इसका जो वर्क है काफ़ी अच्छा है। इसको आप अगर यूज़ करते हो अपने मेकअप को सेट करने के लिए तो ये आपके मेकअप को वाकई में लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। जब तक आप अपने मेकअप को खुद रिमूव नहीं करते हो इसको यूज़ करने के बाद, आपका मेकअप एज इट इज़ रहता है और काफ़ी अच्छा वर्क करता है ये। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट इतने अच्छा वर्क करते हैं। तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है और ये आपको मिल जाएगा अभी आई थिंक 150-120 की रेंज में ये आपको मिलेगा आई थिंक, क्योंकि मैंने अभी चेक नहीं किया है। लेकिन मैं आपका लिंक प्रोवाइड ज़रूर करवाऊँगी। हुडा ब्यूटी द मैट मेकअप फिक्सर इसमें लिखा है, फेस स्प्रे प्राइम लॉन्ग लास्टिंग एंड हाइड्रेटिंग योर फेस, और 100 ml का प्रोडक्ट ये आपको मिलता है। तो ये हो गया एक, और मेरे पास इसी का सेम है दूसरा जो मुझे PR में मिला था। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, बस हल्की सी पैकेजिंग इनकी चेंज है। इसकी पैकेजिंग आपको कुछ इस तरह का दिखेगा और इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह का है। इसका कैप का ही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और 100 ml का प्रोडक्ट ये भी मिलता है, 100 ml का प्रोडक्ट ये भी मिलता है। तो इसे तो मैंने काफ़ी यूज़ किया है, ये मुझे रिसेंटली मिला है, इसे मैंने यूज़ नहीं किया है। आपको इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दोनों ही सेम हैं। इसका वर्क अच्छा है तो इसका भी अच्छा ही होगा और आप इसके साथ जा सकते हैं। तो ये तो मुझे फ्री में मिला था PR में, इसका मुझे प्राइस नहीं पता, लेकिन इसका मैं आपको ज़रूर लिंक प्रोवाइड करवाऊँगी। तो बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। ये भी आपको इसी तरह का सेम दिखेगा और इसका प्लास्टिक कैप है और इसका जो स्प्रे है ये वाइट कलर का स्प्रे है। आपको अभी मैंने यूज़ नहीं किया है तो ये निकल भी नहीं रहा है, पैक है। तो इसका भी सिर्फ ऐसा ही है, देखिए।
तो दोनों ही सेम है। और आप अपने मेकअप को सेट करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मेकअप स्प्रे का, सेटिंग स्प्रे का यूज़ ज़रूर करें। मैंने देखा कुछ लोग यूज़ नहीं करते हैं और उनका मेकअप ज़्यादा देर के लिए नहीं रह पाता उनके फेस पे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बने तो आप इनके साथ जा सकते हैं। दोनों रिजनेबल हैं, अफोर्डेबल प्राइस के, बजट में हैं और बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट्स आपके फेस को, मैं ये नहीं कह रही डुप्लीकेट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी देख के लेंगे तो आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट में भी काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाती है जो आपको साइड इफेक्ट नहीं करती है। तो ये मुझे तो अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बिगनर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनको बजट में कोई मेकअप फिक्सर चाहिए तो वो इसके साथ जा सकते हैं। फिलहाल में मैंने एडीएस का भी यूज़ किया था पहले, तो वो मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है। मैं दोबारा जब उसे लूँगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। प्रेजेंट टाइम मेरे पास ये दोनों हैं। तो आई होप आप लोग को मैंने अच्छे से बताया होगा कि आप अपने मेकअप को, मेकअप सेटिंग स्प्रे से ज़रूर सेट कीजिए जिससे लॉन्ग लास्टिंग बने और आपका मेकअप ज़्यादा देर तक टिका रहे। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, उम्मीद करती हूँ मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया होगा, दोनों के बारे में डिफरेंस बता दिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जो पॉइंट्स मुझे लगा कि मैं आपको बोल सकती हूँ तो मैंने वो आपको बताया। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ अच्छे से अच्छे टॉपिक्स के साथ आपके साथ लेकर आऊँ, शेयर करूँ। तो अगर कुछ कुछ भी आपको कमेंट करना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो YT रश्मि मेरा इंस्टा आईडी, आप मुझे वहाँ ज़रूर जाके फॉलो कीजिए। अगर आप पर्सनली डैम करके कुछ पूछेंगे तो मैं आपको वहाँ भी रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा मेरे इंस्टा आईडी पे। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं अपना कुछ नया टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगी। कोई अच्छे टॉपिक में दोबारा मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय गाइज।